नाजरीन, ईरान के ऊपर दोबारा इसराइल ने अटैक किया है और इस मरतबा ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक किया है। इतलात ये हैं कि साइबर अटैक हुआ है दोबारा, जिसके बाद ईरान काफी अलर्ट हो चुका है क्योंकि ईरान के अंदर नई सरकार बन चुकी है। इब्राहिम रासी वहां पर मौजूद हैं और इब्राहिम रासी पहले ही अमेरिका को कह चुके हैं कि हम आपके साथ बात भी नहीं करेंगे, आपके साथ किसी किस्म की मिसाइलों की जो डील है या उसके ऊपर कन्वर्सेशन भी नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि ईरान इसका मतलब ये है कि जोरों शोर से अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तो इसराइल ने मौका पाते ही अटैक किया है। इससे पहले अगर बात करें आईडीएफ चीफ की, यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस, तो वो वाशिंगटन के अंदर मौजूद थे। उन्होंने अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं, अमेरिका के एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनसे कहा है कि देखिए कि आपने हमारे से वादा किया था कि ईरान जो है वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं हासिल कर पाएगा, लेकिन जो हम एक्टिविटीज देख रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर, तो वो तो हैरान कुन है। और जब से नई सरकार आई है तो उन्होंने ज्यादा तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना शुरू किया है, इसी वजह से तो आज हमने अटैक किया है। नाजरीन ग्रामी, इसराइल के जो न्यूज हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि ईरान की मजीद एसेट्स को, मजीद उनके प्लांट्स को, मजीद उनके सिक्योरिटी अड्डों को वो निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तमाम तर खबर को डिटेल के साथ देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाजरीन ग्रामी, 18 जून को इब्राहिम रईसी आकर अपना इख्तदार संभालते हैं, कुर्सी संभालते हैं, और उन्होंने अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था कि वो ना तो हमास का साथ छोड़ेंगे ना हिजबुल्ला का साथ छोड़ेंगे, बल्कि इनको कहेंगे कि आप जोरों शोर से लड़े, हम हमारी कुछ फोर्स जो है आपको हर लिहाज से पैसे भी देगी, वेपन्स भी देगी और जितनी भी सपोर्ट होगी वो देगी। तो उसके बाद अमेरिका के भी बड़े पॉसिबिलिटीज थी, अमेरिका ये चाहता था कि नहीं, जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ बात करे। जेनेवा के अंदर, वियना के अंदर कुछ बातचीत ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर चल रही थी। जैसे ही नए इलेक्शन होते हैं वो टॉक्स भी खत्म हो जाए। तो आज इसराइल के डिफेंस चीफ ने ऐलान किया है और ब्रीफ किया है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को अटैक किया है, जिसमें हमें थोड़ी बहुत सक्सेस भी मिली है। आपको ये भी बता दें कि इब्राहिम रईसी जो है उन्होंने इसराइल के खिलाफ सख्त और कड़ा रूप जो है वो अपना दिखाया है। उनका कहना है कि हम इस हमले का जरूर बदला लेंगे। अगर बात करें कुछ फोर्स की, तो कुछ फोर्स लगातार अपने जो मिशन है वो सर अंजाम दे रही है सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, इसके अलावा मिडल ईस्ट के अंदर, जहां जहां इसराइल के इंटरेस्ट हैं ये भी तबाह करने की कोशिश करेंगे। तो हालात खराब होंगे मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं क्योंकि ईरान के नई सरकार ने सिग्नल दिया है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर आजकल प्रेशर है। अगर तो ईरान की जो डिप्लोमेटिक को अलाउ करते हैं सऊदी अरेबिया वाले कि आ जाएं, हम एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक टाइज बहाल करते हैं, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी और इसराइल को इसका सेटबैक मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि जो नफ्ताली बेनेट्स हैं इसराइल के वजीर आजम, उनका इतनी असर रसूख नहीं है मिडल ईस्ट में ना ही वाशिंगटन के अंदर। तो इसी वजह से जो लगातार आईडीएफ चीफ कभी बेनी गेंट्स, जो कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो लगातार वाशिंगटन के अंदर जाते हैं और व्हाइट हाउस की सरकार को कहते हैं कि आप हमारी मदद करें, लेकिन व्हाइट हाउस से किसी किस्म का कोई जवाब मसूल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इसराइल के वजीर आजम जो हैं बेनी गेंट्स, वो इतने पावरफुल नहीं थे, इतने पावरफुल नहीं है जितना नेतन्याहू।